नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि सामान्यतः लोगों के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके हाथों में 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी लकी होते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी अलग माने जाते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती है वो लोग कैसे होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में 5 की जगह 6 उंगलियां होती है, ऐसे लोगों पर बुध का प्रभाव होता है, जिसके कारण से ये लोग काफी तेज बुद्धि के माने जाते हैं और तेज बुद्धि के होने के कारण ऐसे लोगों को हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 2, इन लोगों के कार्य करने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी और बेहतर मानी जाती है, जिस कारण से ये लोग अपने हर काम को दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी बेहतर ढंग से निपटा लेते हैं। नंबर 3, दोस्तों जिन लोगों के हाथों में 6 उंगली होती है, ऐसे लोग दूसरे लोगों की अपेक्षा काफ़ी ईमानदार और मेहनती माने जाते हैं, जिस कारण से ये लोग अगर अपनी लाइफ में किसी भी काम को करते हैं तो उस काम में पूरी ईमानदारी और शिद्दत दिखाते हैं। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में 6 उंगली होती है, ऐसे लोग दूसरे लोगों के कामों में काफ़ी कमियां निकालते हैं, साथ ही साथ इन लोगों को आलोचक माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में दूसरों की आलोचना करते हैं, जिस कारण से कई बार इनके रिश्ते दूसरे लोगों से काफ़ी खराब हो जाते हैं। पर 5, दोस्तों जीवन में घूमने फिरने का शौक तो हर इंसान को होता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हाथों में 6 उंगली होती है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के मुकाबले घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण से ये लोग अपनी लाइफ में हमेशा नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 6, दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में 6 उंगली होती है, ऐसे लोगों पर शुक्र का प्रभाव होता है, जिसके कारण से ये लोग अपनी लाइफ में काफ़ी क्रिएटिव और शौकीन होते हैं।